चलिए शुरुआत करते हैं एटॉमिक रेडियस। हेडिंग लिखिए एटॉमिक रेडियस। परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग शुरुआत करेंगे पहला एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, देखिए एटॉमिक रेडियस को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए इसका डिफिनेशन जानते हैं, समझते हैं। ये देखिए ये इस तरह से, ये हम मान लेते हैं ये एक एटम है, यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये इसका न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ से आउटर मोस्ट सेल का देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस होता है नॉर्मली या जनरली हम कह सकते हैं यही एटॉमिक रेडियस होता है। यहाँ ये होता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक, नाभिक कहते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये सेल जो कहलाता है ये कहलाता है आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। और यही जो यहाँ पर रेडियस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी होगा यही कहलाएगा क्या, एटॉमिक रेडियस। लेकिन इस टर्म में एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना आसान नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो इसको दूसरे टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये अलग रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं। ऐसे डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे, क्यों नहीं कर सकते, तो इसको आप पढ़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये वेव नेचर की तरह कार्य करता था, ऐसे में तो छोट बड़ होते चला जाए नहीं, तो इस ऐसे परिस्थिति में हम इसको नहीं बता सकते हैं ना, दिक्कत हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसको दूसरे रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिसमें आता है कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस के रूप में। जनरली जो हम लोग डिफिनेशन इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ देख इसका डिफिनेशन लिखेंगे एटॉमिक रेडियस का, द डिस्टेंस, बातचीत नहीं करो, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक, एटॉमिक रेडियस, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी को पारमाणविक त्रिज्या कहते हैं। सिंपली इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। हो गया, देखो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं और इसका कंक्लूजन लिखे। नहीं हुआ है क्या? जल्दी से लिखो ना, कितना देर करो। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके नीचे लिखना measurement of distance of outermost। पीछे बातचीत कर रहे हो, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम Nucleus of an atom is not possible. Hence, we cannot. We cannot calculate atomic radius
वी कैन नॉट कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। यानी ये देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बन गया, पॉइंट ये आ गया कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, और जब कैलकुलेट ही नहीं करेंगे यानी वहाँ से निकालना संभव ही नहीं है, मेजरमेंट करना संभव ही नहीं है, तो रेडियस कैसे पता चले। तो क्या रेडियस आप कैलकुलेट कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस तरह से कैलकुलेशन रेडियस का होगा? नहीं होगा। तो कैसे होगा? ठीक है, आप जब पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए आपको हम वही बात सुनाते हैं, लाइए तो एनसीईआरटी है किसी के पास, लाओ लाओ पढ़ाओ जल्दी जब तक निकले। हाँ लाओ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी रहे इंग्लिश रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जो टर्म्स हैं उसको आप समझ जाइए। देखिए तो हम लोग परमाणु त्रिज्या की बात करते, देखिए परमाणु त्रिज्या, देखिए यहां पर भी ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई, आप उसको पढ़ेंगे घर पे जाकर के एक बार, है ना। देखिए परमाणु के आकार का सही सही निर्धारण बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापी जाती है। जबकि एक गेंद अगर कोई है तो उसको गेंद की त्रिज्या आप आसानी से माप लेते हैं, लेकिन परमाणु की त्रिज्या आसानी से नहीं मापते हैं। क्या वजह है? तो देखिए इसकी वजह है, इसका क्या वजह है वो बात को समझिए। क्या आपको इसका कारण मालूम है? यहाँ पर हमने करें कोई इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपको इसका कारण मालूम है? आप बोलेंगे नहीं है। देखिए पहली बात तो यह है कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभग्र, जिसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, कि कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। कोई स्पष्ट सीमा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है, अतः परमाणु का आकार सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता। पहला बात, पहला क्या है, ऐसा क्या वजह है जिसके कारण हम परमाणु की त्रिज्या सही सही ज्ञात नहीं कर सकते? तो पहला बात है कि इसका त्रिज्या बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सही सही जो आकलन है वो हमें नहीं हो पाता है। और दूसरा कारण, पहला कारण ये हो गया, दूसरा कारण है परमाणु त्रिज्या का सही माप, देखिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या का सही नापी नहीं जा सकती है। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणु के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु का आकार आकलन किया जा सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये इसके आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा और आपने बात पढ़ी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए अब इसको हम यहाँ रख देते हैं। मेन बात क्या है, सबसे पहला बात हो गया कि इसकी त्रिज्या क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो निर्धारण है नहीं हो पा रहा है, पते नहीं चलता है। तो ऐसी परिस्थिति, बहुत छोटी चीज, आप गेंद है तो आपको दिखता है, आई इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है और नग्न आंखों से देख नहीं सकते, तो इसमें कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है, निर्धारण करना ही संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इसको नहीं कैलकुलेट किया जा। तब क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे वजह से, दूसरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसके लाइन का हिंदी लिख लीजिए जो यहाँ पर हमने लिखा है, लिखिए हाँ क्या हुआ, किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से किसी परमाणु से नाभिक किसी परमाणु के नाभिक से लिखा बाहरी कक्षा में
बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी का दूरी का माप संभव नहीं है। माप संभव नहीं है अतः हम लोग पारमाणविक त्रिज्या परिकलित नहीं कर सकते। परिकलित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नहीं क्यों कर नहीं कर सकते हैं तो इसका रीजन, पहला रीजन और स्पष्ट रीजन ये है कि परमाणु का जो साइज होता है, ये रेडियस होता है, वो बहुत छोटा होता है और इसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हो पाता है ना। तो नहीं कैलकुलेट कर सकते तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बैठ कर झाल बजाएंगे तो क्या करेंगे। दूसरा तरीका अपनाया जाए, इस तरीके से डायरेक्ट वे में नहीं हो पा रहा है तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका अपनाया जाता है ना। यानी कह सकते हैं हम लोग कि एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड इन अनदर वे, दूसरे तरीका से कैलकुलेट किया जाता है। और उस दूसरे तरीका में जब हम देखते हैं तो वो दूसरा तीन तरीका होता है, जिसमें पहला होता है कोवेलेंट के टर्म, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आता है तो कोवेलेंट रेडियस, और फिर मेटालिक रेडियस, और फिर वांडरवाल रेडियस, है ना। ये तीन रेडियस के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। यानी कह सकते हैं यहां पर हम लोग ये बात लिख सकते हैं अच्छा एक नोट पॉइंट पहले बना लो वो भी सही रहेगा ना, नोट पॉइंट इसका ये लिख सकते हैं क्या कि हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। एटॉमिक रेडियस होता है बहुत बहुत छोटा होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्धारण नहीं हो, ठीक है ना। Due to very small size of atom, due to very small size of atom, atomic radius is very very small, due to very small size of atom, atomic radius is very very small, that is r equal to 1 × 10⁻¹⁰, यही ना होता है 1 × 10⁻¹⁰, कितना है वैल्यू देखो तो एक बार मिला लो, 1.2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1.2 लिया है, हम 1 ही लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 × 10⁻¹⁰ मीटर,
वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज 1 × 10⁻¹⁰ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज आर इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁰ माइनस 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड cannot be determined इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, हिंदी में इसको लिखिए, हो गया, गुनगुनाने लगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन मेघ कह सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, बाहरी कक्षा में रहता है ना, तो वही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना हो रहा है, ठीक है, लिखिए हिंदी में, देखिए परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनकी त्रिज्या बहुत बहुत यानी अति सूक्ष्म होता है, इसकी त्रिज्या बहुत बहुत कम होता है या अति सूक्ष्म होता है, बहुत बहुत कम होता है या अति सूक्ष्म होता है, हाँ ये भी लिख देना, या अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, अर्थात R इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁰ अर्थात R इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁰ अतः इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन अभग्र भी उसको हिंदी में बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन मेघ भी लिख सकते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन मेघ का निर्धारण, हाँ मेघ भी लिख सकते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है ना, तो वही इलेक्ट्रॉन मेघ या अभग्र, मेघ या अभग्र, अभग्र ऐसे, अभग्र ऐसे भी लिख सकते, इसको क्या बोलते हैं, अर्भ बोलते हैं, अर्भ अ है ना, उसका र भ पहले, ये र आता है आगे, अर्भ या मेघ, मेघ ये मेघ भी हम बोल सकते, अर्भ अर्भ या मेघ, अभग्र नहीं मतलब अर्भ और मेघ, ठीक है, क्या लिखे, अतः इलेक्ट्रॉन मेघ का निर्धारण नहीं हो सकता है
नहीं हो सकता है, अर्थात इस तरह से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कैसे? वी कैन डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन अनदर वे, वी कैन डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन अदर वे, अदर वेज, दैट इज कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस एंड वांडरवाल रेडियस। वी कैन डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन अदर वेज, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वांडरवाल रेडियस। ये तीन रेडियस के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं। हम लोग वी जब डायरेक्ट नहीं हुआ तो क्या किया गया, दूसरा तरीका अपनाया गया। और इसमें जैसे मॉलिक्यूल अगर कोवेलेंट है ना, तो उसको कोवेलेंट रेडियस के टर्म में, और यदि मेटालिक, हाँ समान एटम वाले को हम क्या कहते हैं, समान एटम के साथ जब मॉलिक्यूल बनाता है, जो होमो एटॉमिक होता है, उसमें जो कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं वो कैसा होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस के हाफ को, अर्ध को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और वो कोवेलेंट रेडियस के रूप में उसको डिफाइन करते हैं। जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होता है, तो दो नाभिक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाएगा, रेडियस होगा। अभी आपको वही चीज को बताएंगे आप, ठीक है, हिंदी में इसको लिखो, देखिए परमाणविक त्रिज्या को हम लोग दूसरे रूप में, परमाणविक त्रिज्या को हम लोग दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात सहसंयोजक त्रिज्या के रूप में, सहसंयोजक त्रिज्या के रूप में कॉमा देकर के लिखिएगा, धात्विक त्रिज्या के रूप में तथा वांडरवाल त्रिज्या के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। इसे परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कोवेलेंट रेडियस के बारे में, ये हो जाएगा
ससंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या ठीक है, कोवेलेंट रिक्त। आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में टेंथ क्लास में धातु उसके बाद धातु मेटल नॉन मेटल्स वाले में आप पढ़े होंगे है ना, सहसंयोजक आबंध के बारे में, और उसी में आप आयनिक आबंध के बारे में भी और कई चीज के बारे में पढ़े हैं। हमें यहाँ पर चाहिए केवल सहसंयोजक के बारे में। तो देखो कोवेलेंट रेडियस का एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जैसे दो नॉन मेटालिक एटम, समान नॉन मेटालिक एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोवेलेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करें क्लोरीन का Cl2, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर ये सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो ये क्लोरीन एटम फॉर्म, तो यहां पर किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो जरूर ये बॉन्डिंग बनाया हो। तो ये बॉन्डिंग कैसे बनाया है? देखिए ये क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। अब समझिएगा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? 7 होते। कितने होते हैं? 7। तो ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अरेंज करते हैं, ये देखिए ऐसा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी इसी तरह से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ऑक्टेट बनाने का नियम है, मतलब ये अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए इससे शेयरिंग करके ये ऑक्टेट बनाता है। तो इसका तो 8 पुर गया, अब ये मुंह देखेगा, ये भी इसे ऐसे शेयरिंग कर। तो ये जो आप देख रहे हैं, समझो यहां पर ये जो देख रहे हैं इसी के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी यही बॉन्ड बनता है। ये आगे अगर आगे बढ़ाएं इसको तो क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बना। क्या बना? ये सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका बॉन्ड लेंथ होता है, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ। यानी ये जो हो गया इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और इसका लेंथ होगा तो यही हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ को ना यहाँ मार के मुंह फोड़ दें। अब इस बॉन्ड लेंथ को समझिए, इस बॉन्ड लेंथ के आधा को, इस जो बॉन्ड लेंथ आएगा यहां से जो डिस्टेंस आएगा इसका जो आधा होगा वह उसका एटॉमिक रेडियस। इसका वैल्यू हमें चूंकि याद है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका जो वैल्यू होता है समझिएगा 198 होता है यहां से यहां तक, 198 पिकोमीटर। कितना होता है? 198 पिकोमीटर। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो कितना हो? देखो ये जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये इक्वल टू है वो कितना है? 198, 198। और जैसे ही 198 वैल्यू अभी रहने देते हैं, देखो 198 है तो हमें चाहिए क्या? कोवेलेंट रेडियस, यानी इसके बीच का क्लोरीन का रेडियस चाहिए, यानी रेडियस यहाँ लिख देते हैं कोवेलेंट, तो कोवेलेंट रेडियस होगी। ये इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अब बाई 2 हो जाए, तो इसका मतलब 198 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 99 है ना। तो ये यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये कहलाया कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, तो ये कहलाएगा क्या? कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। अब दोनों नाभिक को, दोनों को नाभिक को तो समझिए यहां पर,
इस दोनों के नाभिक को, दो एटम हो गया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक इधर अश्व संयोजक बना रहा है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसका सेंटर ये है, और कोवेलेंट रेडियस बनाया होगा तो इसका सेंटर ये होगा ऐसे, तो ये बीच वाला जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये सेंटर में बीच में लेना है, ऐसे आएगा। अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो इस दोनों के नाभिक के बीच की दूरी के आधा क्या कह देंगे, कोवेलेंट रेडियस के, क्या कह देंगे, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, तो दोनों क्लोरीन के नाभिक के बीच की जो दूरी होगी उसका जो आधा होगा वही उसका कोवेलेंट रेडियस कहना है ना। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल है तो, मतलब जब वो कंबाइन करके सह संयोजक बना रहा है, वैसी परिस्थिति, ठीक है, लिखो इस। देखो आवाज नहीं आना चाहिए, 198 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, उसके लिए सौ संयोजक निकाला गया तो 99 पिकोमीटर आया, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए, जो अभी हम लोगों ने बात किया ये क्या था, क्लोरीन के लिए, हाँ ये पिकोमीटर में है, ये भी पिकोमीटर में आएगा, देखिए हम लोग उसमें क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पहले वाले, तो इलेक्ट्रॉन वाला तो फिक्स नहीं हो रहा था, लेकिन नाभिक तो फिक्स रहेगा, ये जो देख रहे हो, ये जो इसका नाभिक, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएगा, तो इसका और इसका नाभिक ये तो फिक्स हो जाएगा ना, तो जैसे ही ये नाभिक फिक्स हो जाता है तो वहां से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, वो माइक्रोस्कोप के सहारे वहां पर उसको कर सकते, और जब वो स्थिति रहेगा ही नहीं, वो आगे पीछे करेगा, तो उसको स्थिति, उसको तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और उसमें भी बहुत छोटा चीज, ठीक है, क्या चीज, हाँ पर्टिकुलर एटम के लिए फिक्स हो जाए, जिसके लिए बात करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के लिए, जैसे कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ये कार्बन और कार्बन के बीच का, अगर इसका डबल बॉन्ड हो जाता, ये देखिए डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम है ना, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो इसमें हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, क्या देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड का उससे कम है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम, समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे देख रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ छोटा है और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई तरह के एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है सिंपली, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये तो निर्धारण ये फिक्स हो जाता है ना कि दो नाभिक के बीच की दूरी को ज्ञात करना होता है, वहां क्या आता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में सोच रहे थे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति अगर फिक्स रहे तब तो, और वो क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग थ्योरी में जो आप पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे
तो उसमें क्या है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर की तरह भी बिहेवियर शो कर रहा है, तो वेव हो जाएगा तब तो वो पोजिशन चेंज हो जाए नहीं। तो वहां पर आप एक और चीज पढ़े थे, याद करिए क्या पढ़े थे, क्लास ये 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग वो निर्धारित नहीं कर सकते, पढ़े थे ना ये बात, वही बात उसी को लागू किया गया तो डायरेक्ट उसमें संभव नहीं हुआ। तो कैसे संभव हुआ, तो कोवेलेंट रेडियस के टर्म। अब ये नाभिक यहां से यहां तक क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। आइए समझते हैं इसको और डिफिनेशंस के टर्म में लिखते हैं, ये छोड़ दीजिएगा बाद में इसको लिखना है, ये तो हम आपको फिर बताएंगे ही। ये आइए यहां पर इसको डिफाइन अगर करना हो, जैसे हम दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, सेम एटम का देखते हैं है ना, और उसके बीच का डिफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बिटवीन टू न्यूक्लियाई बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली कोवेलेंटली बॉन्डेड कोवेलेंटली बॉन्डेड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवेलेंटली लिख सकते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलेक्यूल ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये यहां से निर्धारण संभव हो सकता है, डाई एटॉमिक मतलब क्या होता है, दो, तो डीवाई होगा कि डीआई हो, बोलो डाई एटॉमिक, ये नहीं होगा, डीवाई तो नहीं होगा, ठीक है, डाई एटॉमिक हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में लिखिए तो, हाँ रुके हुए हैं, कहाँ भाग रहे हैं, रुकिए सर बोलिए, हाँ तो डबल बॉन्ड भी कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो फिर उसका भी बॉन्ड लेंथ होगा, सबके लिए ना बॉन्ड लेंथ सबके लिए ना होगा, क्या एक के लिए थोड़ी होगा। चलिए लिखिए तो देखिए, समान परमाणु के
समान परमाणु के, देखा समान परमाणु के देखा समान परमाणु के दुई आणविक अणु दुई परमाणविक इसलिए हम बोर्डे पर लिख देंगे दुई परमाणविक अणु दुई परमाणविक अणु के दुई परमाणविक अणु के लिखा दुई परमाणविक अणु के दो नाभिक के बीच के दूरी के अर्ध को हाफ ऑफ द डिस्टेंस अर्ध को सह संयोजक त्रिज्या, यहां देखो बॉन्ड लिख दिए त्रिज्या रेडियस, सह संयोजक त्रिज्या कहा जाता है या कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं या कहा जाता है। देखिए जैसे अगर फॉर H2 मॉलिक्यूल देखें H2 मॉलिक्यूल का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करें हम तो यहां पर देखिए ये दो जो नाभिक होगा कौन बन रहा है हीरो, किस देंगे साहब, और इधर पर आगे में बैठ करके लुक्कर बन रहा है, बानर है क्या। देखिए ये है हाइड्रोजन का एटम है, और जब ये दूसरा इसके साथ कंबाइन करेगा तब वो क्या कहलाएगा, तब वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल। अब इसी को हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए इसी का दूसरा हम यहां पर इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए दो नाभिक है और इस नाभिक में चूंकि ये सहसंयोजक बनाता है समझिए, तो सहसंयोजक बनाने के लिए ये रेडियस इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करता है, ये इसके ऊपर ओवरलैप करता है, यानी ओवरलैप करने के बाद ये जो है इसके अंदर आएगा, तो ये इसके अंदर आएगा, हाँ इसको यहां रखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, इससे अच्छा है हाथे से बना ले क्या, देखिए ऐसा है। अब देखो समझिए इसको हम लोग ये जो दो ये जो स्थित स्टेट है इसको हम यहां से मिटा देते हैं, आ गया, मिटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां आ गया, और इसके बीच का दूरी ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए ये ए है मान लेते हैं और ये बी है,
तो इसी का कोवेलेंट रेडियस जो होगा, कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट रेडियस होगा क्या होगा, यानी ए बी बटा में टू, यही हो जाएगा। अगर इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ हाइड्रोजन का कुछ दिया रहेगा तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू। क्लियर है, ये तो हो गया कि जब मॉलिक्यूल कैसा हो, कोवेलेंट हो। अगर मेटालिक रहेगा तब कैसे बने, क्या हट मारेंगे, ए बी तो मान लिए हैं, ए बी कैसे मान, क्या अरे दो नाभिक के बीच की दूरी है, ये नाभिक हुआ, आइए सुनो, ये नाभिक हुआ और यहाँ क्या है, नाभिक है। कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ऐसी थोड़ी बन जाए, क्वेश्चन में नाभिक की दूरी पता रहेगा तब ना, तो नाभिक की दूरी पता रहता है, वैल्यू दिया रहता है, गिवन वैल्यू रहता है, समझ रहे, ये डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंटली, ये कैलकुलेट रहता है, ये ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे निकाले अपने से गिन रहे हैं कि क्या होगा क्या, तो ऐसे गिनते रह जाइए। यहां से यहां तक का ए बी डिस्टेंस दिया रहता है, जैसे अभी हम लिखे थे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ लिखे थे ना, तो वैसा ही हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ आपको दिया रहे, और उसके बाद उसको आपको कैलकुलेट करना। अब हाइड्रोजन के साथ दूसरा अगर कोई एटम है, मतलब सेम एटम नहीं डिफरेंट है, उस समय भी दिया रहा, जैसे हम क्या बोले कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच का, तो ये देखो ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ये वैल्यू दिया रहेगा, क्या रहेगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये बॉन्ड लेंथ हुआ, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे दो से तो इसका आधा हो जाएगा, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ गिवेन रहता है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड लेंथ नहीं दिया रहे, है ना। और ये चूंकि स्थिति सुनिए, उसमें क्या था कि अगर माइक्रोस्कोप भी लगाइएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थिति तो निर्धारित नहीं है, एक जगह नहीं रह रहा, तो ऐसी स्थिति में उससे भी आप कैलकुलेट वहां नहीं कर पा रहे, क्या इतना छोटा, ऐसे तो आप कर ये नहीं सकते, देखिए नहीं सकते हैं, तो कर क्या कर सकते, बात समझ रहे, ऐसे एटम को जब देख नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे कर लीजिए, संभव है नहीं है। लेकिन वहां पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी, बहुत छोटे छोटे यंत्र के थ्रू भी, जिससे कि बहुत छोटी दूरी को ज्ञात किया जा सकता है, उससे भी ज्ञात नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ नाभिक हो गया, और हम लोग पढ़े हैं कि नाभिक स्थित होता है, मतलब फिक्स होता है, नाभिक जो होता है फिक्स होता है, तो जो फिक्स चीज है तो उसकी दूरी ज्ञात किया जा सकता है। अब कहेंगे सर आज तक हम चांदा मामा पर गेवे नहीं किए, तो हम दूरी कैसे मापेंगे, अब कोई लड़का ऐसा पूछ सकता है, दिमाग में उसको चल सकता है, तो चांदा मामा सूर्य की दूरी ये एक अनुमानित है, अनुमान किया गया है, लगाया गया है, और उसी को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं और मानते हैं कि हाँ इसका वैल्यू। लेकिन हम और सूर्य के पास कोई गया है इस तरह, कोई नहीं गया है, समझ रहे हैं ना, आ जाएगा कैसे भाई, जाएगा कैसे, जलिए जाएगा आधे रास्ता, जब उतना दूर रहता है तो तपती धूप में हालत खराब कर देता है, और जैसे जैसे नजदीक उसके पास जाइएगा तो क्या होगा। लेकिन अब हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने वैसे यंत्रों का इजाद किया है, बहुत सारे ऐसे, जो बहुत दूरी या बहुत छोटे चीज को भी वो मापा जा सकता, आप समझ सकते हो, भूकंप होता है तो रिएक्टर स्केल पर उसको मापा जाता है, अब बताओ भूकंप तो धरती के नीचे हो रहा है, और कितनी दूरी है वो भी माप लेता है, और कहां कहां तक इसका प्रभाव होगा ये भी मापा जा रहा है कि नहीं जा, बैठ करके वैज्ञानिक झाल बजाते रहता, तुम लोग जैसा तो हो गया, नहीं भावी कैसे होगा, इतना दूर कैसे मापेंगे, अरे आवश्यकता आविष्कार की जननी हो, सिंपल सी बात, इतने आप चप्पल इसीलिए पहनते हैं क्योंकि पाँव में छाले पड़ जाएंगे, पाँव में कांटे गर जाएंगे, इसलिए आप चप्पल पहनते हैं, आदि मानव धीरे धीरे करके ये सभ्यता का विकास इसको बोलते हैं, और ये समा ये आप पढ़िएगा इतिहास ज्योग्राफी, और मैं उस समय पढ़ेंगे, हम ज्यादा उसमें जानते भी नहीं ज्यादा, हम बताए हम इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बारे में जानते हैं तो उसको बताएंगे कि इसकी भी अनुमानित दूरी जो है ज्ञात किया जा सका, क्यों, क्योंकि वहां फिक्स है, स्थिति फिक्स है, और उसमें इसीलिए नहीं ज्ञात किया जा सका, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें, क्योंकि वो स्थिति फिक्स नहीं थी। यही कुछ कुछ बातें हैं
जिसको हमें समझना पड़ेगा, हमारी बात को आपको विश्वास रखना पड़ेगा, नहीं तो हमने इलेक्ट्रॉन को देखे ना आप देखें, है ना इलेक्ट्रॉन को आ कहेंगे जा करके ज्ञात करके देखते हैं, हाँ तो नाप कर देखते हैं कि कितना है, बित्ता से नापते हैं, हाथ से, पहले लोग मापता था ना जी हाथ से ऐसे करके कितना हुआ, हाँ बित्ता से नाप नहीं। उसके बाद अब देखिए अलग अलग प्रकार के आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गए, जिसके अब यहाँ पर पूरे पीरियोडिक टेबल में हमको ज्ञात करना है, बताओ अब उतने सभी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में जानना है तो एक कोई ना कोई तो पैमाना होगा, तो वही पैमाना ज्ञात करने में पहला आया कोवेलेंट रेडियस का, अब दूसरा हम लोग चलते हैं और वो मेटालिक हेडिंग लिखो, और नहीं लिखा है हाँ जल्दी करो जल्दी करो। दूसरा आ जाएगा मेटालिक रेडियस, अब इसी में देखिएगा आप अपने बता दीजिएगा, देखिएगा मेटालिक रेडियस मेटालिक रेडियस, हाँ सेकेंड वाला हो जाएगा टू नंबर, हाँ टू नंबर में, पहला नंबर में कोवेलेंट, दूसरा नंबर मेटालिक और तीसरा में वंडरवाल। कहानी बनाना शुरू हो गया बस। अब देखो जैसे ही आपको ये सब के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा वैसे वैसे आप आसानी से आप ये बता दोगे कि कौन रेडियस बड़ा होता है, कोवेलेंट वाला बड़ा होता है, वंडरवाल वाला बड़ा होता है या मेटालिक बड़ा होता है, ये आप अपने आसानी से। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस, ये जो पहले होता था AI ट्रिपल ई होता था, जेई मेंस होता है ना, जेई मेंस, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं इधर उधर का, उठा करके पूछ दिया कि इसमें कौन सही है, करेक्ट ऑर्डर बताइए, है ना। तो आप इसको जानिएगा, इसके बारे में पता रहेगा तब तो बताइएगा, और नहीं तो रहेगा तो ऐसा ही काला अक्षर भैंस बराबर दिखेगा। धात्विक त्रिज्या, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही धात्विक त्रिज्या तो आपके दृष्टिपटल पर कुछ बन रहा है फिगर, क्या बन रहा है, धातु के बारे में सोच रहे हूँ, नहीं धातु त्रिज्या है तो धातु के बारे में ऑब्वियसली है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर अब सोचना दूसरे बात सोचने लगे, नहीं ना धातु त्रिज्या है उसका फिगर धातु त्रिज्या जैसा, मतलब धातु के बारे में, धातु के बारे में आपके मन में बात चल रहा होगा, हमारे भी मन में बात वही चल रहा है ना। अब भोज रहेगा तो भोज वाला, भोज में क्या चीज का बात चलता है, दिमाग में रहता है कि नहीं भाई आज भोज है, क्या क्या उसमें खाना है, तो उसका बात तो चलेगा ही दिमाग, हाँ वो सब चीज चलते रहता है बाबू, ऐसे माइंड जो है स्थिर नहीं रहता, तुरंत यहाँ रहता है, इसीलिए तीव्र वेग से चलने वाला है ना, लाइट के वेलोसिटी से भी तेज चलता है, तो क्या, हाँ मन का वेग जो होता है ना वह लाइट के वेलोसिटी से भी तेज होता है, तुरंत यहाँ रहेगा आज तुरंत आंख बंद किया दिल्ली का बस फिगर लग रहा, दिल्ली का नजारा नहीं, जहाँ देखे हुए ना दिल्ली कैसा है, कभी गया ही नहीं तो उसका क्या फिगर आएगा, नहीं आएगा, जो चीज देखे हुए हैं उसी के आएगा, एकदम आ जाएगा। हाँ अब जैसे आप इंडियन है, इंडिया का है लोग, बिहार का लोग है, जिलेबी बोलेंगे तो थोड़ा जिलेबी जैसा नजर आ, हाँ 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 उसके वो देखे हुए है, अब अंग्रेज बन आएगा तो उसको जिलेबी, व्हाट इज जिलेबी, तो उसको अपने जैसा उसको दिखे, क्योंकि वो देखा ही नहीं, नहीं
उसका भोजन जिस प्रकार का है या जैसे होगा उस चीज को ज्यादा जानेगा। अब वह हमारे, अब हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ का जो जो भोज्य पदार्थ है वो जानकारी नहीं है। अब छोड़िए ना दूसरे देश को तो छोड़िए दीजिए, भारत में भी जो तमिलनाडु और जो है वहाँ पर केवल चावल की खेती होती है और चावल के बारे में लोग जानते हैं, रोटी के बारे में नहीं जानते। हाँ दिन रिन रात सुबह शाम हमेशा केरला उरला सब चावले, रोटी तो बिहारियन जाकर के सिखा दिया उन लोगों को कैसे बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो हाँ तो क्या इंडिया का है, सोचिए इंडिया में ही, और बहुत सारे ऐसे नागालैंड चले जाए फिर वहाँ का कल्चर अलग, नहीं वहाँ कुत्ता का भी भोजन बना लेता है। यही इतना दूर की बात है, झारखंड में चले जाइए आदिवासी एरिया, तब हु हा शुरू हो जाता है वहां पर, है ना। तो उसका कल्चर अलग है, समझ रहे। हम जो बात कहना चाह रहे हैं समझिएगा, हम यहाँ पर जो बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे दृष्टि पटल पर जिस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसका फिगर बनता है। जैसे कि अगर आप पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं और जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जो बच्चा कभी नहीं गया तो एक्साइटेड होता है उसको देख कर, पहाड़ है बहुत सुंदर पहाड़ है मजा आ गया, जिसका जन्म ही वहां हुआ पहाड़ी में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जिसका जो नदी तालाब को बचपन में नहीं देखा, वो किताबों में पढ़ा नदी तालाब को, तो वो पहली बार देखेगा नदी तालाब तो उसको लगेगा कि वाह क्या बात है, सुंदर है, प्रकृति की गोद में आ गए हैं, है ना, उसके लिए अच्छा लगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन जो बच्चा बचपन से ही बाढ़ को देखते आ रहा है, जो पला बढ़ा उसी क्षेत्र में है, तो उसको उससे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, समझ रहे हैं। यही चीज पढ़ाई के साथ की चीजों को इंटरेस्ट। अब हम कैसे बोल रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि जो हमारा दिमाग जो है ना इमेज को ज्यादा याद रखता है, जैसे बोले ए फॉर एप्पल तो सबको याद रहता है, ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन ए फॉर तो एरोप्लेन भी होता है ना, ए फॉर और अदर भी होता है, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं रखते क्योंकि बचपन में इतनी बार उसका फिगर बना है कि उसका एक न्यूरल पैटर्न दिमाग में बना हुआ है, इसीलिए इस बात को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही धात्विक त्रिज्या की बात करें तो दो धातु, समझिएगा, दो धात्विक एटम जब अटैच होता है एक साथ, किसके साथ, धात्विक बॉन्ड के साथ। देखो यहां इसमें समझिएगा, जैसे हमारे पास इसमें देखिए सिंपल ये जो हम यहां पर बनाएंगे ये हमारा फिगर आ जाएगा, देखिए यहां क्या हो रहा है, दो अलग अलग है देख रहे हैं ना मेटल, और ये दोनों एक दूसरे के जो नजदीक आया है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं आया है, ये किसके द्वारा आया है, बिल्कुल नहीं, ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू आया है। जब मेटल, सुनिए, मेटल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, उससे वह कोई भी जैसे धातु आयरन ले लीजिए तो आयरन के आयरन जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ से वो क्या घिरा हुआ रहता है, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन जब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हो रहता है तो वह धात्विक बॉन्ड बनाता है, किस तरह का धात्विक बॉन्ड बनाता है, और वो धात्विक बॉन्ड समझिएगा जिससे अटैच होता है उसके बीच, उसके एडजेसेंट न्यूक्लियस दो परमाणु के बीच यानी दो धात्विक एटम के बीच को जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच की दूरी के आधा को क्या कहेंगे, मेटालिक रेडियस कहेंगे। यानी यहां पर जो आप देखेंगे यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये जो दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक का ये जो दूरी होगा, अगर मान लीजिए कि ये मेटल है, यहाँ ये सेंटर है इसका, यही दूरी अगर इसको मान लीजिए डी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत, डी मान लेते हैं, तो ये मेटालिक रेडियस हो जाएगा, यानी आर
आ यहाँ पर मेटालिक, मेटालिक और ये इक्वल टू हो जाएगा d बाई टू, क्या हो जाएगा d बाई टू। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में अंतर देखो स्पष्ट होते जा रहा है, एक साथ काम कर रहे हैं, यानी उसमें अगर आप देखेंगे तो ये नाभिक है ये ऐसा आया, तो देखिए इसके बीच में ये जो है देखिए इतना आ गया यानी छोटा हो गया, देखिए क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया। और यहाँ क्या है कि एक टच कर रहा है केवल, स्पर्श कर रहा है केवल, यहाँ देख रहे हैं ना, और ये एक दूसरे के ऊपर आ गया था। तो अगर आपसे कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में अगर पूछा जाए कंपेयर करने के लिए कौन ज्यादा होगा, तो मेटालिक रेडियस यार पता चल रहा है ना कैसे इस फिगर से आपको, यार देख रहे हैं ना कि फिगर में ये दोनों के एक दूसरे के क्या कर रहा है ओवरलैप कर, जबकि ये एक दूसरे को टच कर रहा है, जस्ट सिंपल एक दूसरे को टच। तो पहले इसका फिगर बनाइए, इसका डेफिनेशन लिख देते, पीछे का नई डिफिनेशन लगे मुंह फोड़ देंगे, क्या लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है, नहीं काट के लिखे रेडियस, वो लिखा गया था बहुत मारेंगे, वो लिखा गया था कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको तो लास्ट में किया ना, क्या जैसे ही ध्यान आया मेरा कोवेलेंट बॉन्ड, कैसा ऐसा विद्यार्थी से पाला पड़ गया बताइए। देखिए इसमें यह उदाहरण दिया है कॉपर एटम को लेकर के, पहले हम इसका डिफिनेशंस बना लेते हैं और फिगर से डिफिनेशन बनता है, जो फिगर आप देख रहे हैं इसी से डिफिनेशन बनता है, क्या कि इफ, अरे ऐसा लिख सकते हैं कि इफ टू एटम्स आर attached together, two atoms are attached together through metallic bonding, then the half of the distance between if two atoms are attached together through metallic bonding, then the half of the distance between two adjacent nuclei, two adjacent nuclei is called metallic radius, इसको धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहला बात कि क्या आप
डायरेक्ट किसी परमाणु के नाभिक को ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? छोटा होता है और स्थिर नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो हम नहीं ज्ञात करते। तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीका अपनाते हैं, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट रेडियस का, मेटालिक बॉन्ड में मेटालिक का, और वांडरवाल वाले में वांडरवाल। ठीक है, और एक आयन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आयन उसका टर्म जस्ट इसी प्रकार का ही होता है, केवल आयनिक फॉर्म होता है, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और कई तरह का चीज के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि हम मेटालिक रेजियम, मेटालिक, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। मेटालिक ME होता है ना, वहां सही लिखा हुआ मेटालिक। हाँ लिखिए हिंदी में, यदि यदि दो परमाणु, यदि दो परमाणु एक दूसरे के साथ, यदि दो परमाणु एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ धात्विक आवंद के द्वारा, धात्विक आवंद के द्वारा, धात्विक आवंद के द्वारा, आवंद के द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, अटैच टुगेदर, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो संलग्न दो नाभिक के बीच के दूरी के, संलग्न दो नाभिक, संलग्न दो नाभिक, नाभिक के बीच के दूरी के अर्ध को, दूरी के बीच के दूरी के अर्ध को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। धात्विक अर्ध को धात्विक, तुम लोग बोलो नहीं, हम तीन बार बोलेंगे। संलग्न दो नाभिक के बीच के दूरी के अर्ध को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया बात? ये हो गया धात्विक त्रिज्या का। अगर जैसे कॉपर एटम का लिए देखिए, एग्जांपल में कॉपर एटम देखिए, हम कॉपर एटम, ये कॉपर आपको दिया हुआ है, कॉपर एटम है ना, देखिए कॉपर का परमाणु है, और इसमें जो दो न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी 256 पिकोमीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, कॉपर धातु में दो संलग्न कॉपर परमाणु के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है, अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान क्या हो? देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है ये दिया हुआ है 256 पिकोमीटर। जब इसी को जो ऐसी चीज को पढ़ोगे ना, बुक में पढ़ोगे ना, किताब में, तो काला अक्षर भैंस बराबर दिखेगा। हालांकि एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि उसमें त्रिज्या के बारे में जो स्पष्टीकरण जो होता है, क्योंकि यही ना होता है, एनसीईआरटी भूले बिसरे गीत है, पुराने जमाने वाला, वो गीत कुछ कहता है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाए। ये कहानी का मतलब, ये शब्द का मतलब हो रहा है। आज का गाना में पता नहीं चला है, नाचना आवे तो भैंस चरावे, नहीं तो फोटो खींच। आज के गाना में क्या है पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहा है, आ नहीं है तो झूठ मूठ के ढिक-ढिक कर रहा है और डांस भी कर रहा है लोग। पहले का जो गाना होता था उस गाने का अर्थ होता था, समझे उसके, हाँ मतलब वो चीज को संदर्भ में मतलब समझा जा सकता था। वही बात है, ये जो आप देख रहे हैं वो ये जो एनसीईआरटी बना है, कई
प्रोफेसर और कई फर्टाइल ब्रेन के मिलने से बना, मतलब कई लोगों के संयुक्त मीटिंग से बना है, समझ गए? तो आपको खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप अदर कर सकते, लेकिन ये जो बना है बहुत आईआईटी का प्रोफेसर वो सब लोग मिल करके बनाए, तो इसीलिए उसको पढ़ने के लिए उस तरह का ब्रेन भी चाहिए। एक बार अच्छे ढंग से जब तक कोई पढ़ा न देगा, समझा नहीं देगा, तब तक आप खुद से वही रामायण में जैसे पढ़ता है ना लोग, वो संस्कृत वाला रामायण आ जाएगा तो समझे नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वही हिंदी आ जाता है रामायण, अच्छा हनुमान जी सीता जी को खोजने गए हैं, वहां पर बंदर ये क्या कहते हैं केला बगान में केला को उखाड़ उखाड़ करके फेंकना शुरू कर दिए, उसके बाद बंदर उनके उनके क्या कहते पूछ में आग लगा देता है, तो लंका को जला के चला, वहां समझ में आ जाए। अब संस्कृत में लिखा हुआ रहेगा या कोई संस्कृत बोल रहा है तो नींद आएगा। अच्छा बहुत सारा देखते हो कि हॉलीवुड फिल्म समझ ही नहीं आता, बीच में जाएगा देखने की तो कैसे आएगा समझ में? आएगा समझ में, शुरू से देखेगा तो आएगा, लेकिन क्या है कि बीच में जाएगा देखने की, ये फिर भोजपुरिया है, दो शब्द दो गाना बोल रहा है, पता चला एक में एक शब्द का दो ही मीनिंग है, हाँ वो थोड़ी है भोजपुरिया, कभी जाओ समझ में आ जाएगा। अच्छा हीरो को पकड़ के ले गया है, हीरो की माँ को ले गया, जरूर हीरो आएगा, अगला पता रहता है कि आने वाले का क्या ट्विस्ट होने वाला, ठीक है। तो 256 पिकोमीटर, देखो यहाँ 256 पिकोमीटर है, तो यहां पर जो मेटालिक रेडियस है, मेटालिक रेडियस ये क्या हो जाएगा, डी बटा में टू, यानी 256 बटा में टू, यानी 128 पिको, लिखो इस, अब अंतिम पॉइंट चलेंगे हम लोग, वांडरवाल रेडियस, लिखिए वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस, लिखिए वांडरवाल की त्रिज्या, वांडरवाल रेडियस, हिंदी में भी वही है, नाम ही है तो नाम तो नामे जैसा ना रहे। अब हमारा नाम कोई पूछेगा इंग्लिश में बताइए, हिंदी में बताइए, तो जो नाम रहेगा वही ना बताया जाएगा क्या, इसलिए नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहानी बताना शुरू कर दो, जैसे ही मौका मिला बस बात करना शुरू कर दो, आओ भी कुन 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 करेगा, ये नहीं कि स्पष्ट रूप से बोल, स्पष्ट नहीं वर, चलिए हाँ चले शुरू करें। वांडरवाल रेडियस कहाँ पाया जाता है, एक बार पढ़ा रहे थे, समझ गए, अटेंडेंस बना रहे थे, समझ गए, पहले अटेंडेंस भी बनता था तो बना रहे थे, तो पूछे कि एक लड़का बहुत दिन के बाद आया, अरे कहाँ रहता है, सर बगल में रहते हैं, हम ये पूछे कि तुम इतना दिन के बाद आया है तो कहाँ रहता है, तो वो कहता है सर बगले में रहते हैं, करे कि नोटिफिकेशन देना है तुम्हारे यहाँ भोज खाने जाना है हमको, हाँ अरे तुम कितने दिन के बाद आया है ये ना बताओ,
तो इसी तरह तुम लोग से वांडरवाल त्रिज्या के बारे में पूछ लिया, तो तुम्हें वांडरवाल का त्रिज्या होगा ना है, इधरे कहीं होगा, तो ऐसे नहीं जवाब दे देना। हाँ देखिए, वांडरवाल त्रिज्या जो होता है वो मॉलिक्यूल और एटम में होता है, मॉलिक्यूल में भी और एटम में। अब मॉलिक्यूल वाले में तो कोवेलेंट पढ़े थे, और आप बोल रहे हैं कि भाई उसमें भी पाया जाता है, तो कुछ तो बात होगा। तो आइए उसी बात को समझते हैं। जैसे अगर एटम की बात करें तो जैसे आर्गन, देखिए आर्गन या फिर हीलियम या फिर नियॉन, ये सब गैस होता है, ये नोबेल गैस है, एटॉमिक फॉर्म में ही रह सकता है। कि कभी आप हाइड्रो हीलियम को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि He2 में रह रहा, ऐसा देखे हैं क्या? आ नहीं देखे होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, आप गैस को देख लेते हैं तो कम बात तो नहीं है, है ना। हाँ देखिए, ये जो कहने का मतलब, ये स्टेट होता है किस में, ये एटॉमिक फॉर्म में रहता है या डाई एटॉमिक फॉर्म में, ये निर्भर करता है। सुनो यहाँ, ऐसे मत कर रहा है, ये जो होता है डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक में होता है, क्लोरीन भी डाई एटॉमिक में होता है, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक में होता है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह फोड़ देंगे। क्या गो एटम है यहाँ, दो ही गो है, कैसे बोल रहा आंख है कि नहीं है, फंस गया ना शिकारी, शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ में, फंसना नहीं, फंस गया। अरे एक गो कार्बन दो गो ऑक्सीजन मिल करके तीन गो ट्राई एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। ये देखो ये गैस है ना, क्या है, अमोनिया गैस, ये कितना है, चार एटॉमिक, यानी चार एटॉमिक फॉर्म में भी गैस पाया जाता है। बचपन में अब ये 9th-10th में सुनता है दो ही फॉर्म होगा, एक होगा अगर मान लो हीलियम रह सकता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, यहाँ तक सब पढ़ता है। ये नाइट्रोजन के बाद अमोनिया गैस के बारे में सोचता भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा देर के लिए सोचता भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग से रिलेटेड है ना, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये बात स्पष्ट है, लोग समझता है कुछ बात। लेकिन ये बात करना कि ये कितना किस फॉर्म में रहता है, ये सोचता भी नहीं लोग, बस ये दुगो तक समझ लेता। तो हमारा कहना है कि हर चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए अभी हम सिंपल सा बात करने वाले हैं, देखिए किस में, मोनो एटॉमिक फॉर्म वाले गैस के रूप में। जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस के रूप में पाया जाता है, देखिए ये जो हो गया, देखिए समझिए, आर्गन अगर कोई, ये है आर्गन का, हम यहां पर क्या ले रहे हैं, आर्गन, तो आर्गन और ये आर्गन डाई, ये किस में, एटॉमिक फॉर्म में होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता है, ये किसी से कंबाइन नहीं करता है, जिसके कारण ये कहलाता है अक्रिय गैस। अब ये दो, जैसे ही अक्रिय गैस को एक सिंपल में ले लीजिएगा, किसी बैलून में या किसी चीज में, किसी भी कंटेनर में, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, यही बात होता है ना गैस के प्रॉपर्टी में, हालांकि गैसियस स्टेट में और भी डिटेल हम पढ़ाएंगे। अब यहां पर बताएं, सुनिए, जैसे अगर आपने किसी एक वॉल्यूम, एक बैलून के अंतर्गत उसको रख लिया, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल, उसके जो एटम्स हो रहे, सोच लीजिए आप कह रहे हैं कि अगर एक मोल को आपने रखा है, मान लिया कि एक मोल आर्गन गैस लिया है, तो सोचते हो कितना उसका एटम उसमें रखा है, कितना, अगर हमने खड़ा हो जाओ कि किसी कंटेनर में एक मोल आर्गन गैस रखा है, तो कितना एटम होगा आर्गन का उसमें, देखो ये हुआ ना। अब इसी से पूछते हैं, देखो तुरंत बताएगा, ये देखो बताएगा, तुमको कहे इस क्लासरूम में 5 दर्जन केला ले आओ, तो कितना लाएगा, 5 दर्जन केला, अच्छा बोले दो 5 दर्जन केला तुमको बोले लाने के लिए, तो कितना लाएगा, हाँ केला भी नहीं आता है कुछ नहीं, रे क्या यार तुम तो बताओ, बैठ बैठ बैठ, तुम बताओ, खड़ा हो, कितना लाओगे,
60 पीस कैसे क्या किए? हम तुमको कहेंगे तो जाओ छोड़ो एक के दर्जन लाओ, बहुत पांच दर्जन ज्यादा हो जाए, क्या लाया तो एक मोल कह रहे हैं तो क्या हो गया, कुछ बराबर बताओ। सब बोल रहा है टन 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 टन, बैठ जाइए। जैसे ही एक मोल बोले तो कितना 6.023 × 10⁻¹⁰, यही बात तो हम पूछ रहे हैं, थोड़ी है कि कुछ बार नया चीज पूछ दे अलग से पूछा, बाप रे इतना बड़ा चीज। ठीक है, तो ये जैसे ही रखिएगा तो बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और उस मॉलिक्यूल देखिए हम क्या कह रहे हैं, देख लो फिर पीछे मारेंगे, बस मुंह फोड़ देंगे जो समझा रहे हैं सब। जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल उसके अंतर एटम उसमें हो गया, चूंकि एटॉमिक फॉर्म में है तो उसमें एक फोर्स लगता है, जैसे ये दोनों नजदीक है ना, इसके बीच में एक फोर्स लगता है, क्या लगता है एक फोर्स लगता है। जैसे ही उसको आप कंटेनर में रखें तो उसमें एक फोर्स कार्य करता है, और वो फोर्स वंडरवाल फोर्स होता है, क्या होता है वंडरवाल फोर्स। तो यहां से यहां तक में ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच में जो फोर्स कार्य करता है वो क्या करता है वंडरवाल फोर्स करता है, और जब इस डिस्टेंस के आधा करते हैं तो ये वंडरवाल रेडियस होता है, यानी अगर इसके बीच का डिस्टेंस का आधा करते हैं हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, अगर मान लीजिए हाफ ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर ए और इसको बी मान, इसके लिए बी मान लेते, हालांकि दोनों सेम ही है तो यही होना चाहिए, तो ए बी यही जो होगा ये क्या होगा, ये होगा वंडरवाल रेडियस, यही इसका क्या होगा वंडरवाल। ये इसके आधा यानी पूरा का कैलकुलेट करके जो आधा भाग होगा वो होगा क्या वंडरवाल रेडियस। तो सर ये तो हो गया एटम का, अब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो जैसे हाइड्रोजन हो जाए, तो हाइड्रोजन तो पहले अपना कोवेलेंट बनाए, तो कोवेलेंट बनाएगा देखिएगा समझिएगा, बहुत छोटी बात बता रहे हैं और साधारण बात, और कुछ इस चीजों को जब तक नहीं आपका फिगर से पता चलेगा तो आप पता नहीं करोगे कि कौन रेडियस बड़ा होता है, और फिगर आप अच्छे ढंग से देखो देखे हुए रहिएगा आप आसानी से बता दीजिएगा। ये हो गया, उसके बाद इसी के देखिए जस्ट इसके बगल में ऐसा ही मॉलिक्यूल, अगर इसी ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन मिल करके दो मॉलिक्यूल बना, ये एक मॉलिक्यूल बनाया, ये क्या हो गया H2 मॉलिक्यूल। जैसे एक सैंपल लिए और उसमें हाइड्रोजन गैस रख दिया तो हाइड्रोजन गैस के कई मॉलिक्यूल उसमें है, अगर एक मोल कर दिए तो पता हो गया कि कितना मॉलिक्यूल है 6.023 × 10⁻²³, लेकिन अगर नहीं बोले हैं कि कितना मोल है तो कई मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसमें से दो मॉलिक्यूल को लेकर के हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्या उसमें फोर्स लग सकता है। तो एक मॉलिक्यूल ये लिखा, और दूसरा आप देखो एक और इसके सामने हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए अब इसमें जो होगा इस दोनों के बीच में, सुनिएगा ये तो पढ़ चुके हैं ये कोवेलेंट रेडियस होता है, लेकिन ये दोनों के बीच में दो अलग अलग है, यहां देख लो ये दो अलग अलग है, यहां इसके बीच में ये देखो इसके बीच का, यहां इसके बीच का जो रेडियस होगा, अगर मान लेते हैं कि ये ए है, अगर ये इसको आप क्या मान लें ए और इसको मान लें बी, हालांकि दोनों सेम ही है मॉलिक्यूल, क्या है सेम है, जस्ट आपको समझाने के लिए हम केवल अलग अलग इसको ले रहे, तो इसके बीच का जो दूरी होगा यानी ए और बी के दूरी के आधा, यही होगा क्या वंडरवाल रेडियस। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कार्य करता है, और जो फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स होता है, क्या होता है वंडरवाल, क्या फोर्स होता है, सेम मॉलिक्यूल है और उसको कंटेनर में रखिएगा तो उसके बीच में फोर्स कार्य करता है जो कहलाता है क्या वंडरवाल। ठीक है, तो
तो इसको फिगर बनाइए और अगले क्लास में इसके बाद आप बताओ रेडियस कौन बड़ा हो जाए। देख रहे हैं ना, एक तो बाहर का हो गया और उसके भी देख उससे भी क्या हो रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से टच कर रहा था, ये टच भी नहीं कर रहा, देख रहे हो ना, खाली इन्फ्लुएंस कर रहा, प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण वो क्या होगा फोर्स। कभी कभी आप सुने होंगे मैग्नेट हम लोग लेते हैं मैग्नेट, तब मैग्नेट को दूर से रखते हैं और नीचे में अगर इसकी जो कैपेसिटी होती है समझिएगा मैग्नेट, उसके अनुसार से नीचे का जो उसका लौह पदार्थ जो भी है जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे घूमता है। हम लोग कहते हैं देखो जादू है ना, कोई भी चीज देखो देखो हम ऐसे हाथ रखे हुए हैं ये घूम रहा है, आज जो फिजिक्स पढ़े हुआ रहेगा केमिस्ट्री पढ़े हुए रहेगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेगा तो बता देगा कि ये तो चुंबक वाला बात है, उसके कारण ऐसा हो रहा। और जितना शक्तिशाली होगा उतना ज्यादा उसको वो क्या करे प्रभाव करे, तो उसके बीच थोड़ा सा ही, देखिए मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज्यादा फोर्स नहीं रखता, थोड़ा सा ही फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण वो कहलाता है क्या वंडरवाल फोर्स का। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स के बारे में भी पढ़ के आइएगा आप, हम बता देते हैं कहाँ पर है, हालांकि इस चैप्टर में नहीं है, हाँ वो अगला चैप्टर ये है, थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है पढ़ने में, क्या जाता है देख, ये पांचवा चैप्टर में इसी को डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ाएंगे, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको थोड़ा सा आप देख के आइएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वांडरवाल, ये देखिए वांडरवाल बल क्या लिखा है, अंतरानविक आकर्षण बलों को जोहानन वांडरवाल यानी नाम है वैज्ञानिक का के सम्मान में वांडरवाल बल कहते हैं, और ये किस प्रकार का होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में दिया गया है, तो इसको प्रयास करिएगा एक बार पढ़ के आइए और अगले दिन हम आपको इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।